Yo, what's up, Danixt? Welcome to Danixt and it's your boy Danixt. आज मैं अपने डैंगस्टर्स को एक बहुत ही ख़ास बात बताने वाला हूँ, वो ये कि जो लोग बहुत ज़्यादा ही पसंद कर रहे थे उस चीज़ को जो उनके साथ घटी उनके 90s में, यानी कि 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है के बारे में, वो यूँ कि कुछ कुछ होता है दोबारा रीमेक हो रही है और उसमें कौन कौन है और कौन बना रहा है, ये सारी डिटेल पर आज बात करेंगे। अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए एंड लेट्स बिगिन। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहली बात, जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, उनको तो पता ही होगी ये बात, बट जो लोग पहली बार ही हमारे इस जगह पर पहुँचे हैं, पधारे हैं, उन लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि मेरी हर वीडियो में एक क्वेश्चन आंसर सेगमेंट होता है और वो सवाल मैं हमेशा अपनी हर वीडियो के बिल्कुल एंड में पूछता हूँ, इस वीडियो में भी पूछने वाला हूँ। उसका जवाब मेरी इसी वीडियो में छुपा हुआ होगा और लकी 3 सब्सक्राइबर जो उसका जवाब दे पाएंगे बिल्कुल सही, उनको मेरे आने वाली वीडियोस में मैं देता हूँ शाउट आउट और आपको भी मिलने वाला है शाउट आउट। सो प्लीज़ जाएं सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और उसके बाद जवाब ज़रूर दें ताकि आने वाली वीडियो में शाउट आउट दे सकूँ। एनीवेज गाइस, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि हमारी एक बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म जिसे करण जौहर ने बनाया था अपनी जवानी के दौर पर, और उस फिल्म में मौजूद थे हमारे शाहरुख खान, साथ में रानी मुखर्जी और साथ में केजो यानी कि काजोल। ठीक है, केजो आजकल करण जौहर को बहुत लोग बोल रहे हैं। एनीवेज, करण जौहर एक बार फिर से कारण लेकर आ चुके हैं बनाने का कुछ कुछ होता है। क्यों? एक कुछ कुछ होता है से उनका दिल नहीं भरा, इसीलिए दूसरा कुछ कुछ होता भी पैदा होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कुछ कुछ होता में कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये है रीमेक। इसकी कास्टिंग क्या होगी इस पर कुछ विचार विमर्श हुआ है और हमारे करण जौहर ने रिवील किया है कि हमारी आने वाली कुछ कुछ होता में हीरो का कैरेक्टर निभाने वाले हैं। एनी गेसेस गाइस? कोई गेस? फटाक से कमेंट बॉक्स अपना गेस डाल दो, मैं ही बता देता हूँ। रणवीर सिंह, बिल्कुल सही सुना है, रणवीर अतरंगी सिंह ये बनेंगे हमारे राहुल। शाहरुख खान कैरेक्टर प्ले करेंगे आने वाली रीमेक कुछ कुछ होता है की, और उसमें बन जाएंगे राहुल हमारे रणवीर सिंह। अब सवाल उठता है कि अंजलि कौन बनेंगी, अंजलि कौन बनेगी, कौन है ऐसी लड़की जो काजोल को रिप्लेस कर सकती है आज की डेट में। और करण जौहर ने रिवील कर दिया है उनका भी नाम, वो है नन अदर देन हमारी आलू यानी कि आलिया भट्ट। आलिया भट्ट बनेंगी हमारी अंजलि। अब अंजलि बन जाएंगे आलिया भट्ट और साथ में बन जाएंगे रणवीर सिंह, तो ये तो बिल्कुल पता ही ना आपको, किसी होटल ऐप का एड बन जाएगा। समझ सकते हैं मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ, एनीवेज प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उसे। एनीवेज, अब बात आ जाती है कि टीना कौन बनेगी, कौन बनेगी टीना। टीना का कैरेक्टर करने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 1998 में जब इस फिल्म को बनाने के लिए कास्टिंग की जा रही थी, उस वक्त टीना का कैरेक्टर करने के लिए किसको किसको अप्रोच किया गया था किसी को नहीं पता है, लेकिन मेरे को सब पता है, मैं बता देता हूँ। टीना का कैरेक्टर करने के लिए अप्रोच किया गया था तब्बू को। तब्बू क्या हाई लेवल के एक्ट्रेस हैं, उस वक्त उनका बहुत ज़्यादा नाम था, आज भी है, लेकिन तब्बू ने इस कैरेक्टर को करने से साफ कर दिया था इनकार, बोले तो रिजेक्ट कर दिया था करण जौहर को कुछ कुछ होता है के लिए। क्यों किया था? क्योंकि टीना का एक ऐसा कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर बिल्कुल थोड़े वक्त के लिए आता है अगर आप ध्यान दें तो, और आने के बाद इस कैरेक्टर की कुछ समय बाद डेथ हो जाती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ऊपर से इस कैरेक्टर को माँ का कैरेक्टर भी प्ले करना है, ठीक है, जो अंजलि, सेकंड अंजलि, छोटी अंजलि की माँ यानी राहुल की वाइफ टीना, वो डेथ हो जाती है, उनके साथ उनका एक बच्चा भी होता है। अब ये सोचिए, उनको मदर कैरेक्टर प्ले करना था, उनका डेथ भी हो जाता था, तो ये ओवरऑल ये कैरेक्टर करने के लिए बिल्कुल किसी को मज़ा नहीं आया। स्क्रिप्ट सुनी होगी तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। सिर्फ तब्बू ही नहीं, इसके लिए और भी कैरेक्टर्स को चुना गया था, दो और खूबसूरत लड़कियां उस वक्त की सुपर डुपर हिट हीरोइंस को अप्रोच किया गया था टीना का कैरेक्टर प्ले करने के लिए, बट टीना कैरेक्टर करने से मना कर दिया इन्होंने। नंबर 2 किसने किया था रिजेक्ट टीना कैरेक्टर, वो है, एनी गेसेस? मैं बता देता हूँ, गेस करना की आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं दुनिया से। उर्मिला मातोड़कर, मैं पता नहीं इससे नाम मैं सही ले पा रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं, लेकिन उर्मिला ने मना कर दिया था उनका कैरेक्टर करने से टीना का।
उर्मिला भी उस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस थी, चाइना गेट जैसी फिल्म में वो अच्छा डांस नंबर दे चुकी थी, रंगीला कर चुकी थी, बहुत हाई लेवल की फिल्म्स कर चुकी थी, तो उर्मिला ने ये कैरेक्टर करने से मना कर दिया। उसके बाद करण जौहर पहुँचते हैं नन अदर देन ऐश्वर्या राय के पास। अब ऐश्वर्या राय ने भी ये स्क्रिप्ट सुनी, बट बहुत ही पोलाइट तरीके से इसको भी उन्होंने मना कर दिया। करण जौहर को कोई हीरोइन नहीं मिल रही थी, कौन करेगा उनका फिल्म में कैरेक्टर टीना का प्ले करेगा, कौन करेगा। लेकिन ऐश्वर्या राय ने दोबारा फ़ोन किया, बट करण जौहर को लगा था कि वो हाँ करने के लिए फ़ोन कर रही हैं, बट इसमें करण जौहर के लग गए। ऐश्वर्या राय ने कहा कि आई एम सॉरी, बड़े पोलाइट तरीके से एक बार फिर से अफसोस जताने के लिए ऐश्वर्या राय ने फ़ोन कर दिया और कहा कि मैं नहीं कर सकती ये फिल्म, ये दिस दैट जो वजह है कैरेक्टर का, तो आपको पता चल ही गया जो मैंने आपको बता दिया क्यों मना किया होगा। अब करण जौहर बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ गए कि कोई हीरोइन करने के लिए तैयार ही नहीं है। उस वक्त मसीहा बनकर एक इंसान आया करण जौहर के पास, वो कौन है पता है आपको? आदित्य चोपड़ा। बिल्कुल सही सुना, आदित्य चोपड़ा आए उस वक्त करण जौहर की जिंदगी ने और करण जौहर को सजेस्ट कर दिया रानी मुखर्जी का नाम। करण जौहर कुछ सैंपल्स दिखाए गए, करण जौहर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए। करण जौहर ने ऑलरेडी गुलाम फिल्म देख रखी थी, ए क्या बोलती वो गाना भी बहुत ज़्यादा हिट हो चुका था। उसमें करण जौहर ने फिर मौका लिया और टीना का कैरेक्टर जो है हमारी रानी मुखर्जी को दे दिया। उस वक्त से आदित्य चोपड़ा जो है वो थोड़े इंटरेस्टेड नज़र आ रहे थे रानी मुखर्जी के साथ, जो बाद में बहुत ज़्यादा आगे तक बात बढ़ी लेकिन हो नहीं पाई उनकी शादी। एनीवेज, अब आ गई ये कैरेक्टर जो फिल्म आ गई हमारी रानी मुखर्जी की झोली में। रानी मुखर्जी ने बिंदास इस फिल्म को कर दिया और रेस्ट इज हिस्ट्री, आपको पता ही है। लेकिन आज के दौर की रानी मुखर्जी कौन बनेगी? इस बार तो थोड़ा साइन करना इजी हो जाएगा क्योंकि सबको पता है कि ये लेजेंडरी फिल्म है, तो देखकर ही कोई भी इस फिल्म को साइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन करण जौहर की कुछ खास पसंद है, इसीलिए करण जौहर ने साइन करना चाहा है जानवी कपूर को। बिल्कुल सटीक सुन लिया है, जानवी कपूर। ये मैं, मुझे अगर पूछा जाए तो आखिरी चॉइस होगी, आखिरी नाम होगा जो मेरे दिमाग में आएगा कि ये भी कर सकती है इस फिल्म में कैरेक्टर प्ले। बट जानवी कैरेक्टर बहुत अच्छी एक्टर है, सबको पता है, फिल्म देख चुके हैं हम लोगों की। तो जानवी को मिला है रानी मुखर्जी का कैरेक्टर। राहुल का कैरेक्टर प्ले करने वाले हमारे रणवीर सिंह, अंजलि कैरेक्टर प्ले करेंगी आलिया भट्ट। बिल्कुल सूटेबल है दोनों, राहुल जैसी जो एनर्जी है वो रणवीर सिंह में बहुत ज़्यादा ही है, राहुल को भी ओवर पावर कर देंगे, क्या पता राहुल का नाम आगे से रणवीर ही हो जाए। आलिया भट्ट बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले करेंगी हमारी अंजलि का, लेकिन मुझे लगता है केजो ही दिमाग में रहेगी। हो सकता है शाहरुख खान को ओवर पावर रणवीर सिंह कर दे, अदर अलग बात है, लेकिन काजोल को नहीं कर पाएंगी आई गेस आलिया भट्ट। लेकिन जानवी का दिमाग में ही नहीं आ रहा है मेरा कि मैं क्या कहूँ। मुझे नहीं लगता है कि जानवी कपूर जस्टिफाई भी कर पाएंगी कि नहीं, या फिर जानवी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर देंगी, क्योंकि रानी मुखर्जी का बहुत सटल सा कैरेक्टर था, बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं फिल्म में। जानवी बहुत कुछ अच्छा कर सकती है और करण जौहर बहुत सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं आने वाली रीमेक में, जो उस वक्त उनको गलतियां दिखी होंगी अब सुधार सकते हैं। तो यही ओवरऑल एजेंडा तैयार हो चुका है, कास्टिंग हो चुकी है काइंड ऑफ, लेकिन अभी भी इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। जब फॉरेन कंट्री में घूम रहे थे करण जौहर, तो उनको ये बात पूछी गई कि क्या आप रीमेक करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में ये आइडिया है लेकिन अभी मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ ऐसा कुछ। आपको पता है इस टाइप के स्टेटमेंट्स लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, फिर अचानक से वो फिल्म सामने बनकर आ जाती है। लेकिन बाद में खुद करण जौहर ने ही एक चीज़ें कही कि राहुल का कैरेक्टर मैं रणवीर सिंह को लेना चाहूँगा, उसके बाद आलिया भट्ट आएंगी टीना हमारी अंजलि कैरेक्टर में, टीना कैरेक्टर जानवी में, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों के साथ करण जौहर तख्त जो फिल्म आ रही है उसमें काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी करीना कपूर खान भी मौजूद हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है तख्त का। लेकिन हमारी कुछ कुछ होता है से बहुत ज़्यादा रीमेक से जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, एक नॉस्टैल्जिक फील आ जाती है क्योंकि बहुत लोगों को करीब है, बहुत लोगों के करीब है, क्योंकि इतने सारे लव सॉन्ग्स थे इसमें, इतने सारा सैड सॉन्ग से भरपूर ये फिल्म थी कि एक आशिक की ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है फिल्म। आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मायने रखती है फिल्म? तो इसीलिए मैं आप क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ मेरे भाइयों, आप लोग तो क्वेश्चन का वेट करते ही रहते हो, तो इसीलिए मैं इस वीडियो का सवाल आप लोगों को पूछ लेता हूँ ताकि थोड़ा दिल हल्का हो जाए। इस वीडियो का सवाल ये है कि कौन सी फिल्म का रीमेक होने वाला है, हैशटैग के साथ उसका नाम आप दे दीजिए। और एक सवाल है, ये सवाल ये है कि राहुल का कैरेक्टर रीमेक में कौन प्ले करेगा। दो सवाल,
आपके लिए एक बोनस सवाल ये एक और है कि आप तीनों के कैरेक्टर के साथ हैशटैग का नाम दे सकते हैं कि राहुल, अंजलि या टीना, इन तीनों का कैरेक्टर कौन प्ले करने वाला है। ये बोनस क्वेश्चन है, सबका आंसर आप दे दें। लकी तीन सब्सक्राइबर्स को मैं इसमें से चुन लूंगा और उनको मेरी आने वाली वीडियो मिलेगा शॉट आउट, नॉट शूट आउट, शाउट आउट, समझा करो, कभी कभी जबान स्लिप हो जाती है, केला खाया था नाश्ते में। एनीवेज, अब वक्त आ चला है कि मैं आपको शाउट आउट दूं, उन लोगों को शाउट आउट दूं, बेहतरीन इंसानों को शाउट आउट दूं जिन लोगों ने ऑलरेडी सटीक जवाब दे रखा है मेरे पहले वाले वीडियो के सवाल का। वो एक वीडियो, एक ऐसी वीडियो थी जो बहुत ही सनसनीखेज खुलासा था, वो ये कि गुरु मान जो फिटनेस यूट्यूबर हैं, टी सीरीज की तरफ से बहुत अच्छा काम करते हैं, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में लॉन्च हो रहे हैं। यही मेरा क्वेश्चन था कि कौन लॉन्च हो रहे हैं। सटीक सटीक आंसर मेरे भाई लोगों ने दे दिया बिंदास, उसमें से मैंने चुन लिया लकी तीन सब्सक्राइबर्स को, आपको भी चुन लूंगा अगर आप भी आंसर देते हो। एनीवेज, नंबर वन का खिलाड़ी जो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, हर मैदान में लोगों को पछाड़ते हुए चला जाता है, और इस खिलाड़ी ने मेरे वीडियो में आकर आंसर दिया, और इस खिलाड़ी का नाम है SS फिटनेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस SS फिटनेस, आपने बिल्कुल सटीक आंसर दिया और आप बन चुके हैं डैनिक्स्ट लकी सब्सक्राइबर, पकड़ा पाओ मेरे भाई। उसके बाद आ जाते हैं नंबर टू के खिलाड़ी, इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाएगा इस खिलाड़ी का, क्योंकि इतने बेहतरीन खिलाड़ी है, एक बार बैट इनके बॉल से लग जाए तो गायब ही हो जाता है। इनका नाम है नन अदर देन मिस्टर संजय कुमार। संजय कुमार मेरे भाई, सटीक आंसर दिया आपने, कॉन्ग्रेचुलेशन, कंगारू सेशन मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, सटीक आंसर आपने दे दिया है मेरी वीडियो में आकर, आपको भी मिल जाएगा शाउट आउट मेरे भाई, आंसर दे दो इस वीडियो के क्वेश्चन का। एनीवेज, नंबर तीन के खिलाड़ी, इनके बारे में मैं आपको क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है, इतने ज़्यादा ज्ञानी है कि इनका नाम ही ज्ञान से रिलेटेड हो चुका है। तो एनी गेसेस नंबर तीन के सुपरहिट खिलाड़ी हैं मिस्टर है कि मिस पता नहीं, इनका नाम है केपी नॉलेज। कॉन्ग्रेचुलेशंस केपी नॉलेज, आप बन चुके हैं लकी नंबर तीन। बहुत बहुत मुबारक हो डैनिश लकी सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने बिल्कुल सटीक आंसर दिया मेरे इस वीडियो के सवाल का। भी आप लोग जवाब दे सकते हैं, ज़रूर रिपीट आपका नाम भी लिया जा सकता है, और नए लोग जो हैं वो प्लीज़ जाएं कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के चांसेस ज़्यादा है। इस वीडियो में मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब आप जाके कमेंट बॉक्स में हैश टैग के साथ दे दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपको भी मिल सके हमारा हाई लेवल का शाउट। तब तक के लिए गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, रेड कलर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना है, क्योंकि सिर्फ लकी तीन सब्सक्राइबर्स ही जीतेंगे, ध्यान रखें सब्सक्राइबर्स ही जीतेंगे, कि सब्सक्राइबर्स के लिए कॉन्टेस्ट है, तो आपको सब्सक्राइबर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए जाएं सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपका नाम लूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए गाइस, कीप वॉचिंग डैनिक्स्ट, कीप लविंग योर बॉय डैनिक्स्ट, एंड चाओ। सुपर हिट, सुपर हिट, पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।